और उसको लेकर के तीनों दिल्ली की नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, जो उसके वश में है, जो जो स्टेप ले सकते हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं दिल्ली वालों को बचाने के लिए। इस संदर्भ में कुछ और निर्णय लिए हैं, उसके लिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, उनके साथ हमारे तीनों मेयर भाई जयप्रकाश जी, निर्मल जी और अनामिका जी, और यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता बहन सारिका जी उपस्थित है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद नवीन जी। आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित तीनों महापौर श्री जयप्रकाश जी, श्री निर्मल जैन जी, श्रीमती अनामिका जी और निगम के सभी नेतागण, हमारे मीडिया के नवीन जी और सारिका जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मीडिया के बंधुओं, आज कोरोना संकट से पूरी देश और दिल्ली विशेष तौर पर बहुत जूझ रहा है। माना कि संघर्ष सताता है, लेकिन यही है वो जो हमें जीना सिखाता है। दिल्ली नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वासियों के हर संकट में साये के साथ, साये की तरह साथ खड़ी है। दिल्ली की जनता को कोई भी संकट, जब कोरोना संकट में पहले फीड द नीडी प्रोग्राम चलाया था, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव को सही तरीके से ऑन करने का प्रोग्राम भी नगर निगमों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है और उसमें एक अच्छी भूमिका के साथ सब लोग अवेयर कर रहे हैं। मैं सभी डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूं और संकट की इस घड़ी में मैं सभी दिल्ली वासियों को हाथ जोड़कर अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जैसा सरकार ने भी निर्णय लिया है कि शुक्रवार की रात से सोमवार की सुबह तक जो कर्फ्यू रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, वो केसेस बढ़ने की वजह से ये सरकार का निर्णय है। हम दिल्ली की जनता के साथ हैं और इन दिनों का इस्तेमाल दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली निगम के सभी कर्मी, जब लॉकडाउन होगा तो वो अलर्ट मोड पे होंगे और सैनिटाइजेशन पूरी दिल्ली के अंदर एक मेगा अभियान सैनिटाइजेशन का चलाया जाएगा। कहीं भी किसी भी तरह की बायोमेडिकल वेस्ट, जहां पर कोरोना क्वारंटाइन है वहां उनके मेडिकल वेस्ट को लेने की सुविधा निगम के द्वारा दी जाएगी। निगम की गाड़ी कोई भी डिमांड करेगा तो वहां पहुंचेगी और इसी तरह से सैनिटाइजेशन का बहुत गहन महाअभियान ये तीनों निगमों के द्वारा इन तीन दिनों के दौरान, लॉकडाउन के तीन दिनों के दौरान बहुत तेजी से उन क्षेत्रों में जहां पर ज्यादा कोरोना के केसेस हैं वहां ज्यादा तेजी से चलाया जाएगा, मार्केट्स में चलाया जाएगा, कॉलोनी के अंदर वार्ड, हर वार्ड में ये सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स जो अभी तक पूरी दिल्ली के अंदर निगमों के द्वारा जो लगभग 130 वैक्सीनेशन सेंटर चलाए जा रहे हैं, उनकी संख्या भी हम जल्दी ही निगमों से, अभी जब मीटिंग की है तो उसमें तीनों निगमों से अनुरोध किया कि वो तीनों निगम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या भी बढ़ाएं ताकि तेजी से
वैक्सीनेशन हो सके। और खास बात है कि ये संकट के समय में पिछली बार भी निगम ने आइसोलेशन सेंटर बनाने की बात हो, क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे। अभी तीनों निगमों ने मिलकर ये तय किया है कि हम दिल्ली सरकार के सामने ऑफर रख दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट के सामने ऑफर रख दिया है कि हम जितने भी हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, उनको हम क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए तैयार हैं। हमने पिछली बार भी किया था, इस बार भी हम दिल्ली की जनता के हित के लिए तैयार हैं। रही बात है नंबर ऑफ बेड्स, जो बहुत भारी दिक्कत है इस समय, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने की बात है तो तीनों निगमों ने मिलकर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में दयानंद हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके पड़ोस में दिल्ली सरकार का जीटीबी हॉस्पिटल है जो पूरी तरह कोविड डेडिकेटेड है, जिसके कारण से उसको पूरी तरह से हम कोविड डेडिकेटेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम स्वामी दयानंद हॉस्पिटल का जो प्राइवेट वार्ड है, नर्सिंग होम है, उसमें 20 बेड्स में पूरी तरह व्यवस्था है, वहां पर ऑक्सीजन बेड हम उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी तरह उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले दो बड़े अस्पताल, हिंदूराव हॉस्पिटल और बालकराम अस्पताल, इन दोनों अस्पतालों में 200 से शुरुआत करके एक हफ्ते के अंदर हम लगभग 400 बेड की व्यवस्था करने वाले हैं, जिसमें जो हिंदूराव हॉस्पिटल है उसमें लगभग 820 बेड एक्टिव हैं। आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो हमने ये भी ऑफर किया है कि हम पूरी तरह से हिंदूराव हॉस्पिटल को कोविड डेडिकेटेड बना देंगे। पिछली बार कोरोना की लड़ाई में हिंदूराव अस्पताल का बहुत बड़ा योगदान था। और इसी तरह से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में भी 200 बेड का व्यवस्था तिलक नगर हॉस्पिटल में और कालका जी हॉस्पिटल में करने वाले हैं। ये दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तैयारी है। कुल मिलाकर तीनों निगम इस कोरोना संकट में जनता के साथ, कोरोना पीड़ितों के साथ, दिल्ली के इस आपदा के समय हम बिल्कुल साथ साथ हैं। ये संदेश नगर निगम पूरी तरह देना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। और हमने जैसे पहले बढ़ चढ़ कर लोगों की सेवा की थी, आज वो अवसर दूसरी तरह से है। फीड द नीडी प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करना, वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना, सैनिटाइजेशन करना निगम के द्वारा करवाना और बेड्स की संख्या बढ़ाना, जो बहुत बड़ा संकट है, और इसके साथ ही साथ एक काउंसलिंग करने के लिए डॉक्टर्स की टीम तीनों निगमों में सेंट्रलाइज बैठेगी, वो भी अपना काम करेगी, जो लेना चाहे सलाह वो ले सकता है। और एक और जो इस संकट के समय में समस्या बन सकती, भगवान ना करे ऐसी समस्या बने, लेकिन हर समस्या के लिए एक तैयारी जरूरी है, तो जितने भी क्रीमेशन ग्राउंड है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थित करना, सीएनजी प्लेटफॉर्म के नंबर्स को बढ़ाना, इसमें भी साउथ ने, नॉर्थ ने और ईस्ट ने, तीनों ने काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल अभी कोई वहां पर इस तरह की परिस्थितियां नहीं है, और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि ऐसी परिस्थितियां ना बने, लेकिन फिर भी इस संकट काल में कोई भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए निगम तैयार है, निगम के कर्मचारी अधिकारी तैयार हैं, हमारे तीनों निगमों के नेतागण, मेयर और सभी पूरी टीम
और इसके साथ साथ सभी निगम पार्षदों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने इलाके में सैनिटाइजेशन कराए, अपने इलाके में कोई भी समस्या है तो उसको किसी भी रूप में है, चाहे वो एडमिशन से संबंधित हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन से संबंधित हो या बायोमेडिकल वेस्ट के कलेक्शन से संबंधित हो, इन सभी बातों को लेकर दिल्ली नगर निगम बहुत कंसर्न है, चिंतित है और ये लड़ाई हम लोगों को मिलकर लड़नी है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपके सामने मुखातिब हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस बात में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुले तौर पर दिल्ली सरकार को आमंत्रित करता हूं कि कोई भी निगम के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, दिल्ली के जनता के हित में उतना कर सकते हैं। ये ऑफर आज तीनों मेयर, तीनों कमिश्नर और तीनों निगमों की टीम ने बैठ के किया है और हमारा पहला फर्ज है कि दिल्ली की जनता की जान बचानी है, कोरोना संकट से उनको मुक्ति दिलानी है। प्रधानमंत्री जी के इस संदेश के साथ कि हमें अभी एहतियात बरतने हैं और उसी के अंतर्गत जो 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया उसका हम लोग पालन करेंगे और हम दिल्ली की जनता से इस अपील के साथ कि साथ मिलकर चलना होगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम पूरी तरह से, केंद्र में बैठे मोदी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है और जरूरत पड़ी तो हम केंद्र सरकार से भी अभी अनुरोध करने वाले हैं कि हम किस तरह से और अच्छा काम कर सकते हैं। यही बात मैं कहने के लिए आपके बीच आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा कोरोना से बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि मिलकर काम करना है और मिलकर काम करेंगे। निगम पूरी तरह मुस्तैद है, निगम अपने कर्तव्य में लापरवाही 1% भी नहीं करेगा। इस वादे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।